दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन के बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैंने चार्जिंग एनिमेशन को कस्टमाइज कर रखा है जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह आप भी चार्जिंग एनिमेशन के बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे पूछेगा कि यार भाई कैसे आपने चार्जिंग एनिमेशन को चेंज किया है, चार्जिंग के बैकग्राउंड में आपने फोटो कैसे सेट किया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा क्या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है बैटरी चार्जिंग 4K, ठीक है। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन से आप अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, कैसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको दो परमिशन अलाउ करने होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपको एक दो एड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन में सेटअप करोगे तब आपको एक दो एड्स भी देखने को मिलेंगे। अब आपको इन दोनों परमिशन को इस तरह अलाउ कर देना है, ठीक है। आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों अब आपको यहां पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहां पर एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको एड को कट करना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो काफी सारे एनिमेशन दिए गए हैं। जो भी एनिमेशन आपको पसंद है आप उसको चार्जिंग पर सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कस्टम एनिमेशन पर टैप करना है, ठीक है। जब आप कस्टम एनिमेशन पर टैप करोगे आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप चार्जिंग एनिमेशन पर सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें इस फोटो को चार्जिंग पर लगाना है, ठीक है। तो हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको ओके पर टैप करना है। दोस्तों आपका जो फोटो है वो चार्जिंग पर सेट हो जाएगा, ठीक है। चार्जिंग एनिमेशन पर फोटो लग जाएगा। आपको एड को कट कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग पर टैप करना है, ठीक है। जो चार्जिंग एनिमेशन है, जो फोटो है, वो कितने सेकंड तक दिखना चाहिए, आपको इसको 30 सेकंड कर देना है या 1 मिनट कर देना है, ठीक है। हमने 1 मिनट पर सेट कर दिया। अब हम अपने फोन को चार्ज पर लगाते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं और अपने फोन को चार्ज पर लगाते हैं। तो दोस्तों हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप फोटो देख सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह आप भी चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन पर अपना फोटो सेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप सिंगल टैप करोगे चार्जिंग एनिमेशन गायब हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।